शुरू हो गया है और सावन शिव जी का और नागों का ही तो पूरा महीना माना जाता है। तो इस कहानी का भारतीय सनातन धर्म में इतना ज़्यादा महत्व है कि घर घर ये कहानी कही जाती है और नागपंचमी के दिन इस कहानी को कहने से माना जाता है कि मायके और ससुराल पक्ष के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो गाइस इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा और मैं आप लोगों के सामने नागपंचमी की कहानी कहने जा रही हूँ। और उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे आ रहे लाल कलर के बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। तो चलिए सावन के महीने में सबसे महान कहानी का प्रारंभ करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे व 7 बहुएं थीं, जिनमें से 6 के पीहर थे और सबसे छोटी के पीहर नहीं था। उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी, सो थोड़ा सा चुरा कर जब पानी भरने गई तो ले गई, पेड़ के नीचे घेवर रख दिया। उसने सोचा पानी भरकर आराम से खाऊंगी। पानी भरकर घेवर लेने जब पेड़ के नीचे पहुंची तो वहां घेवर नहीं था। पेड़ के नीचे एक बांबी थी, उसमें एक नागिन रहती थी, वो भी बेचारी गर्भवती थी। उसे घेवर देखकर खाने की इच्छा हुई, उसने खा लिया और सोचा साहूकार के बेटी की बहू अगर गाली निकालेगी तो उसे काट लूँगी और अगर कुछ नहीं बोलेगी तो इस बेचारी बिन पीहरी को पीहर का सुख दिखा दूँगी। साहूकार के बेटी की बहू ने देखा घेवर नहीं था, ठंडी सांस लेकर बोली बेचारी कोई मेरी जैसी ही होगी, सुख खा गई होगी, कोई बात नहीं। नागिन बहुत खुश हुई, उसने अपने बेटों को सब बात बताकर कहा कि वो इंसान का रूप बनाकर जाएं और साहूकार के बेटी की बहू को लेकर आएं। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर गए और साहूकार की पत्नी से कहा हम अपनी बहन को लिवाने आए हैं, सो भेजो। सास ने कहा इतने दिन से कहाँ थे। नागिन के लड़के बोले बहन भी हमें नहीं पहचानती, बहन जब जन्मी तब हम नानी के घर में थे, जब शादी हुई तब हम परदेश धन कमाने गए हुए थे। नागिन के लड़के अपने साथ बहुत सारा गहना, कपड़ा और मिठाइयाँ सास और जिठानी के लिए लेकर गए थे। सास बहुत प्रसन्न थी और जिठानियाँ जल रही थीं। सास ने बहू को भेज दिया। बांबी के पास पहुंचकर लड़कों ने कहा बहन हम सांप हैं, तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने खाया था और उसने तुम्हें दिल से अपनी बेटी माना है, इस नाते तुम हमारी बहन हुई, अब तुम हमारी पूंछ पकड़ लो और डरना मत। वो पूंछ पकड़कर बांबी में चली गई, वहाँ उन्होंने उसे बहुत सुख और आराम से रखा, वहीं उसने अपने बेटे को भी जन्म दिया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया अगर तू माँ की इतनी ही लाडली है तो तेरी माँ से कहना कि आज तो सांपों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ, वो माँ से जिद करके दूध ठंडा करने लगी। अभी दूध पूरा ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसके लड़के ने घंटी बजा दी। घंटी सुनते ही छोटे बड़े सब सांप दौड़े और दूध पीने लगे। दूध मुंह में डालते ही कुछ सांपों का मुंह जल गया और सांप क्रोधित होकर बोले हम बहन को काटेंगे। माँ ने कहा नहीं नहीं इसे मत काटो, ये तुम्हें आशीष देगी। साहूकार के बेटे की बहू बोली जियो महारा नाग नागनी, जियो महारा खंडवा अंडवा वीर, वीर उठावे देख देखड़ी रो, चीर तिफाट पड़ वीर जीता रहे। कुछ दिन बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा तेरी माँ अगर तेरा विश्वास करती तो 7वीं कोठी की चाबी तुझे दे देती। उसने जिद करके माँ से 7वीं कोठी की चाबी ले ली और 7वीं कोठे का ताला खोला तो देखा नाग बाबा झूले पर झूला झूल रहे थे। वो बोली बाबा सत सियाराम। नाग बोला तूने सत सियाराम कर लिया, नहीं तो मैं तुझे काट लेता। उसने कहा बाबा आप तो मेरे पिता हैं, मुझे कैसे काट सकते हैं। और बोली जियो नाग नागनी, जियो वासुकी नाग, जिन मेरो लाड़ लड़ाइया 9 करोड़ का हार। नाग देवता उसकी बात सुनकर इतने प्रसन्न हुए कि उसे 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा अब ये बड़े घरों में थाट डालने लगी है, इसे इसके ससुराल पहुँचा दो और इसकी रक्षा करते रहना। नागों ने बहन को बहुत से गहने कपड़े और दिए और ससुराल पहुँचा दिया। थोड़े दिन बाद एक दिन उसका लड़का झाड़ू तोड़ रहा था, ताई ने कहा झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना और मामा के यहाँ से लेकर आता। सांपों ने अपनी माँ से कहा, माँ ने कहा 2 झाड़ू सोने की और 2 झाड़ू चांदी के बनवाओ और जाकर अपनी बहन को देख कर आओ। जेठानियाँ जल गईं और बोली अरे
इसे तो ताना मारने से इसका धन बढ़ता है। एक दिन उसका लड़का गेहूं बिखेर रहा था। ताई ने फिर से ताना मारा। गेहूं बिखेरने का इतना ही शौक है तो नाना और मामा से लिख कर आता। सांप ने फिर से सुन लिया अपनी बहन की रक्षा के लिए जो वहाँ था। माँ ने जाकर बताया। माँ बोली, 2 बोरे सोने के गेहूँ और 2 बोरे चांदी के गेहूँ गढ़वा कर अपनी बहन को देकर आओ। जेठानियाँ फिर जल गईं, बोली, इसे ताने मारने से तो इसका धन बढ़ता है। छोटी जेठानी ने एक दिन देखा लकड़ी वाले कोठे में सांप बैठा हुआ है। उसने सोचा छोटी को भेजती हूँ, सांप काट लेगा, सारा किस्सा ही खत्म। छोटी लकड़ी लेने गई, सांप को देखकर बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से उसे बिछुए दे दिए। वो पहनकर छम छम करती हुई बाहर आई। जिठानियाँ फिर से जल गईं। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियों में सांप दिखा। बड़ी जिठानी ने छोटी को पान लेने भेजा। सांप को देखकर वो बोली, भैया घर के क्या हाल चाल हैं? घर में सब ठीक तो है? सबको मेरी राम राम कहना। सांप ने अपनी बहन को मुंदड़ी पहना दी। अब जिठानियों की जलन और गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। शाम को जैसे ही उसका पति दुकान से घर आया, वो उसे सिखाने लगी, भैया तुम्हारी पत्नी की तो सांपों से दोस्ती है। साहूकार का बेटा रात में जैसे ही अपनी पत्नी से के पास गया, पत्नी से बोला, सच सच बता, सांप और बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काटने के बजाय गहने देते हैं? वो हंसने लगी। पत्नी बोली, अरे वो तो मेरे भाई भतीजे हैं। फिर सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, क्या तेरी माँ सिर्फ बेटी और नाती को ही प्यार करती हैं, बुलाती हैं, दामाद को नहीं? कोने में बैठे नागों ने सारी बात जाकर अपनी माँ को बताई। माँ ने कहा, जाकर दोनों को लेकर आओ। वो गए, दोनों को और बच्चे को लेकर आए। कुछ दिन घर में रखने के बाद, उनका स्वागत सत्कार करने के बाद, बहुत सारे धन, कपड़े और गहने देकर उन्हें विदा किया। ऐसा समर्थ पीहर कहानी कहने सुनने वाले सभी को मिले। जैसी अनपीरी वो पहले थी, भगवान भोलेनाथ किसी को ना रखें। और मित्रों, कहानी पूर्ण हुई। और अगर आपको कहानी नहीं आती तो जिस समय आप पूजा करें, किसी भी कहानी वाले वीडियो को चला लें, भाव से तात्पर्य रखें। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, इस बार की नागपंचमी जो है वो 5 अगस्त को है। 5 अगस्त को धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाई जाने वाली है। और आपको नागपंचमी की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।